कासगंज जनपद के गंज डुंडवारा एटा मार्ग पर एक प्राइवेट बस में बस चालक का शव बस में ही फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की खबर से पुलिस समेत तमाम लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक बस चालक 35 वर्षीय केशव पुत्र रामनारायण निवासी ऊन घाट थाना बागवाला जिला एटा का रहने वाला है। हालांकि मृतक के परिजनों ने चालक की हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाने की आशंका जताई है। बताया जा रहा है पूर्व में बस चालक का किसी से विवाद हुआ था, जिसके चलते रंजिशन हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौत का कारण जानने के लिए जांच पड़ताल कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र नाम है। ये बस में जो खाली थे ये आपके कौन से? हमारे मामा के लड़के हैं, इनका नाम केशव है। कैसे खत्म हुई क्या? और ये खत्म तो ये बस में मिले थे, मैं आया तो ये इसी रोड पर प्राइवेट बस चलाते हैं और इनके साथ में एक महीने पहले इनकी मारपीट करी थी लोगों ने, उनका नाम नहीं बता सकता हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगता है किसी व्यक्ति ने जानबूझकर इनकी हत्या की और बस में लटका दिया, जिससे कि ये साबित हो कि उन्होंने फांसी खाई है। थाना गंज द्वारा जनपद कासगंज में आज दिनांक 29/3/23 को सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि गणेशपुर बस स्टैंड एटा रोड में बस चालक केशव कुमार द्वारा फांसी लगाकर बस के अंदर ही आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम के द्वारा पहुंचकर वहां मौका मुआयना किया गया। परिजनों और आसपास एकत्र लोगों के बीच में पंचायतनामा आदि की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विधि विज्ञान की टीम के द्वारा भी वहाँ पर मौका मुआयना किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।